प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन कल पढ़ रहे थे, एलजेब्रा पढ़ रहे थे और एलजेब्रा में अपन ग्रुप के बारे में बात कर चुके थे। ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके थे। फिर अपन बात कर रहे थे ग्रुप में किसी भी अवयव की अपन कोटि कैसे निकाल सकते हैं। मान लो कोई भी एलिमेंट ए है, जैसे इसका अगर अपने को ऑर्डर ज्ञात करना है तो अपन ये देखेंगे ए की ए से कम कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। अगर ए की कम से कम एन बार संक्रिया करवाने पर अगर तत्समक अवयव आता है तब ए की कोटि है वो क्या कहलाती है, एन कहलाती है। तब ऑर्डर ऑफ ए वो क्या कहलाता है, एन कहलाता है। यानी छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए ए की पावर एन करने पे कितना आ जाए, ई आ जाए, वो जो एन है वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। यदि ऐसे एन का अस्तित्व नहीं होता है तब उस अवयव की कोटि क्या कहलाती है, अनंत कहलाती है। यानी सीधी सी बात है, कम से कम अपन कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए अपन ए की पावर एन करें तो ई आ जाना चाहिए, वो क्या कहलाती है, उस अवयव की कोटि कहलाती है। कुछ एग्जांपल अपन कल डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल अपन और डिस्कस करके देखते हैं। जैसे अपन ये बात जानते हैं जी बराबर 0 1 2 3 प्लस 4 संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, तत्समक अवयव होगा 0। अब अपन ये बात जानते हैं कि तत्समक अवयव की कोटि हमेशा क्या होती है, एक होती है। तो ऑर्डर ऑफ 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 0 है वो कितना होगा, 1 होगा। अब अपन निकालेंगे एक की कोटि निकालेंगे तो अपन ये देखेंगे एक की एक से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। संक्रिया कौन सी करवानी है, मॉडुलो 4। यानी जिस संक्रिया के लिए जी ग्रुप है वो संक्रिया अपन करवा के देखेंगे। तो एक की एक से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 2। फिर एक से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 3। फिर एक से संक्रिया करवाएंगे कितना, 4। 4 का मतलब कितना होता है, 0। ये जो संक्रिया है वो क्या कहलाती है, अवशेष योग कहलाती है। कोई भी दो एलिमेंट की ये संक्रिया करवाते हैं तो 4 से अगर कम आता है तब तो वही संख्या लिखते हैं, अगर 4 या 4 से ज्यादा आ जाता है तब अपन क्या करते हैं, 4 का उसके अंदर भाग देते हैं। तो यहाँ एक में एक अपन जोड़ते जाएंगे, जब 0 आएगा एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर एक जोड़ेंगे 3, फिर एक जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब हो जाएगा 0। तो यहाँ एक की अपन ने कितनी बार संक्रिया करवाई है, 4 बार संक्रिया करवाई है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे अपन 2 की कोटि निकालेंगे, 2 की 2 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 का मतलब हो गया 0। तो इसका मतलब 2 बार संक्रिया करवाई है तो 2 की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे अपन 3 की संक्रिया करवाएंगे, 3 की 3 से संक्रिया करवाएंगे 6, 6 में 4 का भाग देंगे 2 आएगा। फिर 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, 5 का मतलब हो जाएगा 1, 5 में 4 का भाग लगेगा। फिर 3 जोड़ेंगे 1 और 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 का मतलब हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 3 की कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहां अपन देख रहे हैं 3 की कम से कम अपन 4 बार संक्रिया करवाएंगे तब क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। तो इसका मतलब 3 की कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहां अपन देख रहे हैं कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोटि कितनी है, 4 है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोटि कितनी है, 2, और तत्समक अवयव की कोटि सदैव क्या होती है, 1 होती है। ग्रुप के अंदर तत्समक अवयव भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है। बाकी सभी अवयवों की कोटि 1 से ज्यादा होती है और ग्रुप की जो कोटि होती है उससे हमेशा कम या बराबर होती है। यहां अपन देख रहे हैं ग्रुप की कोटि कितनी है, 4, तो सभी अवयवों की कोटि क्या आ रही है, 4 से कम या बराबर आ रही है। इसी प्रकार अपन कुछ और एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर सकते हैं। जी बराबर ले लिया अपने जैसे 1 2 3 4, अपन जानते हैं कि अवशेष गुणन 5 संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। गुणन संक्रिया के लिए तभी ग्रुप होता है जब यहाँ पे प्राइम नंबर होता है, प्लस संक्रिया के लिए सदैव ग्रुप होता है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तत्समक अवयव 1 होगा, तत्समक अवयव की कोटि सदैव कितनी होती है, 1 होती है। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1। अब अपन ये देखेंगे कि 2 की कोटि कितनी होगी, तो अपन ये देखेंगे 2 की कम से कम अपन कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। 2 की 2 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 4। फिर 2 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 8। 8 का मतलब हो गया 3। फिर 2 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 6। 6 का मतलब हो जाएगा 1। तो यहां अपन देख रहे हैं 2 की 2 से संक्रिया करवाएंगे 4, जब तक तत्समक अवयव नहीं आएगा तब तक संक्रिया करवाते जाएंगे। फिर 2 से संक्रिया करवाएंगे 8, जैसे ही 5 से ज्यादा आएगा, तो 5 से ज्यादा आएगा या 5 के बराबर आएगा, 5 का भाग लग जाएगा। तो यहां अपन देख रहे हैं 8, 8 आते ही 5 का भाग लग गया, तो ये हो गया 3। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6,
छह में पांच का भाग देंगे कितना आएगा एक। तो यहां कम से कम अपन कितनी बार संक्रिया करवा रहे हैं, चार बार संक्रिया करवा रहे हैं, तो दो की कोटि कितनी हो जाएगी चार। इसी प्रकार अपन तीन की कोटि निकालेंगे, तीन की तीन से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा नौ, नौ का मतलब कितना हो जाएगा चार। फिर तीन से संक्रिया करवाएंगे बारह, बारह का मतलब हो जाएगा दो। फिर तीन से संक्रिया करवाएंगे छह, छह का मतलब हो जाएगा एक। तो यहां अपन देख रहे हैं तीन की कोटि भी कितनी हो जाएगी चार, चार हो जाएगी। कम से कम अपन चार बार संक्रिया करवाएंगे तब क्या आएगा तत्समक अवयव आएगा। फिर अपन चार की संक्रिया करवाएंगे, चार की चार से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा सोलह, सोलह में पांच का भाग देंगे एक आएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ फोर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। तो यहां अपन देख रहे हैं कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोटि कितनी है चार, और एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जिसकी कोटि कितनी हो जाएगी दो। तो बेटा सीधा सा कंसेप्ट है कि अपने को केवल ये देखना है कि तत्समक अवयव की कोटि हमेशा एक होती है, उसके अलावा जितने भी अवयव हैं उनको आपस में संक्रिया करवानी है, कम से कम कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए, वही क्या कहलाती है उसकी कोटि कहलाती है। यहां अपन देख रहे हैं प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से कम या बराबर आ रही है। इस बात को थ्योरम के माध्यम से भी सिद्ध किया जा सकता है। जैसे एक थ्योरम है ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है, सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि ग्रुप में एलिमेंट और उसके इनवर्स एलिमेंट दोनों की कोटि हमेशा क्या होती है सेम होती है। अर्थात इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है थ्योरम सिद्ध करने का, सबसे पहले जो भी थ्योरम अपने को दे रखी है उसको पढ़ना है। सबसे पहले बात की गई है किसकी, ग्रुप की। तो अपन मान लेते हैं कि माना जी ग्रुप है, माना जी ग्रुप है, ग्रुप में किसी अवयव की, तो ए अपन जी का एलिमेंट मान लेते हैं, तो ए अपन ने जी का एलिमेंट माना है, माना अपने जी, अपने मान लिया कि जी ग्रुप है और ए जी का एलिमेंट है। तब अपने को सिद्ध करके बताना है तब सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि एलिमेंट और उसके इनवर्स एलिमेंट दोनों की कोटि क्या होती है सेम होती है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स सिद्ध करना है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए तो अपन एम मान लेते हैं और ये अपन एन मान लेते हैं, फिर दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे। माना ऑर्डर ऑफ ए बराबर अपन ने मान लिया एम, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर अपन ने मान लिया एन। अब ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम है तो इसको अपन लिख सकते हैं ए की पावर एम बराबर ई लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको अपन लिख सकते हैं ए इनवर्स की पावर एन बराबर ई लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अपने ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम माना है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एन माना है। अब यहां पे अपने को क्या सिद्ध करना है, एम बराबर एन सिद्ध करना है। तब सिद्ध करना है कि एम बराबर एन। अब m बराबर n सिद्ध करने का सीधा सा तरीका है, एक बार अपन m को लेस देन इक्वल टू n सिद्ध कर देंगे, एक बार n को लेस देन इक्वल टू m सिद्ध कर देंगे। अगर एक बार m को अपन लेस देन इक्वल टू n सिद्ध कर देते हैं, एक बार n को लेस देन इक्वल टू m सिद्ध कर देते हैं, तो दोनों समीकरणों से अपन क्या कह सकते हैं, m बराबर n कह सकते हैं। और अगर m बराबर n आ जाता है तो ऑर्डर ऑफ a बराबर हो जाएगा किसके, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अब इस बात को अपन लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना है m, ऑर्डर ऑफ ए बराबर m है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए एम बराबर ई लिख सकते हैं। अब
एम बराबर ई है और अपने को इसमें क्या लेके आना है, एन लेके आना है। एन कैसे ला सकते हैं, यदि अपने पास इनवर्स आ जाए तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें इनवर्स कर देते हैं। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, बिल्कुल आसान थ्योरम है, थोड़ा सा भी अगर अपन ध्यान दें तो यही याद हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम है तो इसको अपन लिख सकते हैं ए एम बराबर ई लिख सकते हैं। अब इसके अंदर अपने को एन का समावेश करना है और एन का समावेश अपन कब कर सकते हैं, यदि इसमें इनवर्स आ जाए तो इनवर्स लाने के लिए मैंने दोनों तरफ इनवर्स किया है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स की पावर एम भी लिख सकते हैं। और तत्समक अवयव का इनवर्स भी हमेशा क्या होता है, तत्समक अवयव खुद ही होता है, तो ई इनवर्स को ई लिख सकते हैं। ए इनवर्स की पावर एम बराबर ये इसको लिखा जा सकता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एम लिखा जा सकता है। इसको अपन लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एम लिख सकते हैं। कल अपन बात कर चुके हैं कि कहीं भी ए एन बराबर ई लिखा है तो इसको हमेशा ये पढ़ना है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन पढ़ना है, क्योंकि जरूरी नहीं है छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, इससे छोटा और भी कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। जैसे कल अपन बात कर रहे थे आयोटा की पावर 8 बराबर भी एक होता है और आयोटा की पावर 4 बराबर भी एक होता है, तो आयोटा की पावर 8 बराबर एक आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आयोटा की कोटि 8 हो गई। छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए कंडीशन होल्ड होती है वो जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। ऐसे तो आयोटा की पावर 16 भी क्या आएगा, एक आएगा। तो यहाँ ए की पावर एन बराबर ई है तो अपने को हमेशा लिखा जाएगा ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन। यदि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है तब तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा, वरना इसका ऑर्डर इससे भी कम आएगा। तो यहाँ ए इनवर्स की पावर एम बराबर ई है उसको मैंने ऐसे लिखा है। अब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो यहाँ से एन लेस देन इक्वल टू एम आ जाएगा। अब एक बार अपने को क्या सिद्ध करना है, एम लेस देन इक्वल टू एन सिद्ध करना है। पुनः इसको अपन लेके चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर है, एन के बराबर है। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एन है तो इसको अपन लिख सकते हैं ए इनवर्स की पावर एन बराबर ई लिख सकते हैं। अब यहां अपने को क्या लेके आना है, एम लेके आना है, और एम कब आएगा, जब इसके अंदर ए आ जाएगा। तो ए लाने के लिए इनवर्स हटाना पड़ेगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए एन का इनवर्स ये लिख सकते हैं। अब यहां से अपने को इनवर्स को हटाना है और इनवर्स हटाने का तरीका अपन जानते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स है वो वापस किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो यहां अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका इनवर्स कर देंगे, दोनों तरफ इसका इनवर्स कर देंगे। अब यहां पे इस प्रॉपर्टी से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन लिख सकते हैं। तत्समक अवयव का इनवर्स एलिमेंट वापस क्या होता है, तत्समक खुद ही होता है, तो ए एन बराबर ई आ जाएगा। और ए एन बराबर ई है तो इसको लिखा जा सकता है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन लिखा जा सकता है। इसको अपन लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन। ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो यहां से आएगा एम लेस देन इक्वल टू एन आएगा। अब समीकरण नंबर एक में आ रहा है एन लेस देन इक्वल टू एम आ रहा है, सबकी सब इस समीकरण में आ रहा है एम लेस देन इक्वल टू एन आ रहा है। तो समीकरण नंबर एक व दो से, समीकरण नंबर एक व दो से एम बराबर एन हो जाएगा। एम का मतलब कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा। एन का मतलब हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा। यही अपने को सिद्ध करना था, अपने को सिद्ध करके बताना था कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। इसी प्रकार इसके अंदर ग्रुप के अंदर एक थ्योरम है किसी परिमित ग्रुप की, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है, कम या बराबर होती है। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। अपने को ये सिद्ध करके बताना है कि प्रत्येक अवयव की, जैसा अपना एग्जांपल में देख भी रहे थे, प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से हमेशा क्या होती है, कम या बराबर होती है।
अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू होता है किससे, ऑर्डर ऑफ जी से। सबसे पहले अपन ने मान लिया कि जी ग्रुप है, सबसे पहले अपन शॉर्ट में इस थ्योरम को अपन थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर अपन ने मान लिया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर अपन ने मान लिया एन मान लिया, तथा ए अपन ने जी का कोई एलिमेंट मान लिया, तथा ए अपन ने जी का कोई एलिमेंट माना। अब ए अगर जी का एलिमेंट है तो संवर्तता से अपन ये कह सकते हैं, संवर्तता से ए स्क्वायर ए क्यूब ए एन सभी क्या होंगे, जी के अवयव होंगे, सभी जी के अवयव हैं। ए जीरो बराबर ई सभी क्या होंगे, जी के अवयव होंगे, सभी जी के अवयव होंगे। क्योंकि जी ग्रुप है और ए क्या है, जी का एलिमेंट है, तो ए जी का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए स्टार ए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से अपन देख सकते हैं कि इन दोनों की संक्रिया करवाने पे जो एलिमेंट आएगा वो भी वापस क्या आएगा, जी के अंदर ही आएगा, ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। ए क्यूब भी जी के अंदर आएगा, ए एन भी जी के अंदर आएगा, ऐसे ए की पावर जीरो को अपन ई से डिफाइन करते हैं तो ई भी क्या होगा, जी के अंदर होगा। तो ये सारे किसके एलिमेंट होंगे, फिर जी के एलिमेंट होंगे। लेकिन इनकी संख्या अगर अपन देखें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, एक दो तीन एन हो गया और एक ही हो गया, यानी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, एन प्लस वन हो जाएगी। परंतु इनकी संख्या एन प्लस वन है और इनकी संख्या एन प्लस वन है जबकि ऑर्डर ऑफ जी अपने क्या मान रखा है, एन मान रखा है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई दो अवयव ऐसे हैं जो क्या है, आपस में बराबर है, अतः इनमें कम से कम दो अवयव क्या होंगे, समान होंगे, कम से कम दो अवयव क्या होंगे, समान होंगे, कम से कम दो अवयव समान होंगे, कम से कम दो अवयव समान होंगे। तो अपने मान लिया ये दो अवयव बराबर मान लिया, अपने माना ए आर बराबर अपन ने मान लिया ए एस, जहां आर अपन ने लेस देन एस मान लिया, जहां अपने आर लेस देन एस माना है और एस का मान क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू एन हो सकता है, जीरो से बड़ा या बराबर होगा। अब दोनों तरफ इसकी संक्रिया अपन करवा रहे हैं, दोनों तरफ इसकी संक्रिया ए माइनस आर से संक्रिया करवा रहे हैं, क्योंकि ए आर क्या है, जी का एलिमेंट है, तो इसका इनवर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो उससे अपन इसकी कंपोजिशन करवा सकते हैं। इससे कंपोजिशन करवाएंगे तो किसी भी एलिमेंट की उसके इनवर्स से कंपोजिशन करवाते हैं तो ई आता है, इधर ये बन जाएगा ए एस माइनस आर बन जाएगा, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए एस माइनस आर बराबर ई, ये लिख सकते हैं। और अभी अपन बात कर रहे थे ए की पावर एन बराबर ई होता है तो उसको लिखा जा सकता है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन लिखा जाता है, तो इसको अपन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एस माइनस आर लिखेंगे। और यहां से अपन देख रहे हैं एस माइनस आर का मान क्या आएगा, आर है वो एस से छोटा है तो एस में से अगर अपन आर घटाएंगे तो वो लेस देन इक्वल टू एन आएगा, यानी एस माइनस आर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो यहां से ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, एन से, और एन अपने किसके बराबर मान रखा है, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर मान रखा है, तो यहां से ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, ऑर्डर ऑफ जी से, ऑर्डर ऑफ जी है वो एन के बराबर है। और यही अपने को बात सिद्ध करके बतानी थी, यानी किसी भी अवयव की जो कोटी होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रुप की कोटी से कम या बराबर होती है। बिल्कुल आसान सी थ्योरम है, अपने को ये सिद्ध करके बताना था कि अवयव की कोटी ग्रुप की कोटी से कम या बराबर होती है। तो सबसे पहले अपने जी ग्रुप माना था, इसका ऑर्डर अपने एन मान लिया था, फिर ए अपने जी का कोई एलिमेंट माना था, ए अगर जी का एलिमेंट होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर ए क्यूब वो सारे जी के अवयव आएंगे और वो सारे जी के अवयव होंगे तो उनकी संख्या एन प्लस वन हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई दो अवयव ऐसे होंगे जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दो अवयव बराबर लिए जिससे ये बात सिद्ध होती है। इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।